हम बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन इन बेंजाइन, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ बेंजाइन। आप अच्छे से जानते हैं ये आपके पास बेंजीन होती है, पक्का ये क्या है आपके पास बेंजीन। लेकिन अगर आपके पास ये जो बॉन्ड है डबल की जगह ट्रिपल हो जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेंजाइन। ये जरूरी नहीं है कि सारे ट्रिपल हों, एक ही हमारे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है बेंजाइन। हमें ऐसा लगा था ये स्टेबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप खुद ही बताओ कि अगर ये एस पी हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास ये भी क्या है एस पी टू हाइब्रिडाइज्ड ही है। तो क्या की पॉइंट रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कौन सी है प्लेनर, ऑल कार्बन हैव ट्रायगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर सो वी कैन से ऑल कार्बन, ऑल सिक्स कार्बन ऑफ बेंजाइन हैव एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन। एस पी टू होता है लीनियर होता है, ये ब्रेक हो जाती है और ये कभी भी स्टेबल नहीं हो पाती। लेकिन क्योंकि ये पैदा होती है तो इसका मतलब यहाँ पर जनरेट होती है, बनती है, इंटरमीडिएटर है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन है, ब्रेक हो जाता तो फिर आप इसको बना ही नहीं पाते। एस पी हाइब्रिडाइज क्या होता है लीनियर, इसलिए ये एस पी टू होता है। तो ऑल कार्बन हैविंग एस पी टू हाइब्रिडाइज, तो ये तो वैसे ही एस पी टू है, ये तो पैदाइशी एस पी टू है। लेकिन जिस पे आप एस पी समझ रहे थे वो भी एस पी टू है, यही इसकी खास बात है। ठीक है, यस और नो लिखें।